दबंग पट्टे की जमीन को नहीं दे रहे हैं, इसी बात की शिकायत लेकर थाना भोगांव क्षेत्र का एक पीड़ित जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने अपने आप को न्याय दिलाने की गुहार जिला अधिकारी से लगाई है। गरीबों को दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए शासन सरकार और जिला प्रशासन की ओर से जमीनों का वितरण कराया जा रहा है, जिनको पट्टों का नाम दिया गया, लेकिन दबंग इन पट्टों वो भी गरीबों को मिलने नहीं दे रहे, और जिन गरीबों को पट्टा मिल गया है उन पर दबंगों का कब्जा है। ऐसा ही मामला तहसील भोगांव क्षेत्र के ग्राम सूरतपुर से सामने आया है। सूरतपुर के रहने वाले राम बहादुर पुत्र सूरजपाल जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। यहां उसने अपनी व्यथा जिलाधिकारी को सुनाई और बताया कि गांव के ही रहने वाले महेश पुत्र कायम सिंह यादव दबंगई और गुंडई के बल पर प्रधान द्वारा दिए गए आबादी की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। बीते कई दिनों से इस मामले की शिकायत की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके उसका पट्टा उसे नहीं छोड़ा जा रहा है। जब से जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह मैनपुरी में आए हैं, तब से एक बार फिर जमीनों को अवैध रूप से किए गए कब्जे से मुक्त कराए जाने की उम्मीद लोगों के अंदर जाग गई है, और इस उम्मीद के सहारे ही पीड़ित अपने साथ न्याय की गुहार लगाने यहां पहुंचा है। मेरा नाम सुभाष है। अच्छा, आज डीएम साहब से मिलना है, किस संबंध में? डीएम साहब से मिलने इसलिए आए, हम एक शान से भाग रहे हैं, हमारी कोई ही सुनवाई नहीं हुई। हमारी आबादी थी वहां, नींव भरी हुई थी, नींव उखाड़ करके कानिगो नेकपाल ने अपने महेश को, रिश्तेदार महेश हैं उनको, आबादी कब्जा करवा दिया गया। हमारी ईंट भी ले ली, तो हमको धमकी मारने की दे रहे हैं कानिगो और नेकपा। अच्छा, वहाँ आप कब से रह रहे थे? हाँ, हमें पैदाश भी नहीं थी तब से, अभी रह रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, हमारे घर के सामने है, तो वहाँ उन लोगों को कन्नी तनवा दी है, तो मारने की हमको धमकी दे रहे हैं। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो आपको धमकी? वो यादव हैं। तो हमारी संगवड़ी भी इसी बात पर रोक रखी है, कहते हैं 400,000 रुपये दो तो संगवड़ी कराएंगे, नहीं तो तुझे मरवा देंगे। धमकियाँ भी देते? हाँ, उनके पास बिलोरो गाड़ी है, उसके आते हैं रात के। आपको कितने बार धमकियाँ दी? हमको 1 साल हो गई धमकी देते।